नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आपके पास भी आपका पैन कार्ड है और आपका पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं है तो दोस्तों इसकी जो डेट है लास्ट डेट मतलब आधार कार्ड के साथ लिंक करने की पैन कार्ड को 31 मार्च है। यदि आप 31 मार्च तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड जो है निरस्त कर दिया जाएगा, यानी कि आपका पैन कार्ड कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं हो सकता। ठीक दोस्तों, यदि आपको भी जानना है कैसे पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक करते हैं तो वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा, क्योंकि दोस्तों आपको बड़े आसानी से सिंपल भाई स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता दूंगा। दोस्तों मैं हूं प्रकाश चौबे और आप देख रहे हैं चैनल चौबे टेक्निकल। दोस्तों चलिए आज की जो कमाल की वीडियो है शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की सबसे ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जानी है, या इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके आ सकते हैं। यहाँ पर आइए, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि आपको कुछ देखिए नोटिफिकेशन नजर आ रहा है, लास्ट डेट फॉर लिंकिंग पैन विथ आधार 31 मार्च 2021। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ नजर आएगा, बार बार आपको ऊपर यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। यहाँ वापस देखिए आ रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ चीज़ों को और भी लास्ट डेट दिखाई जा रही है एंड यहाँ पर और चीज़ भी दिखाई जा रही है। और सबसे तीसरा जो लास्ट डेट यहाँ पर दिखाई जा रही है, लास्ट डेट फॉर लिंकिंग पैन विथ आधार 31 मार्च 2021। ठीक है, तो यहाँ पर आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक करने के लिए सबसे पहले आना है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर क्लिक करना है, ऑप्शन नजर आएगा लिंक आधार, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नजर आएगा लिंक आधार। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। चलिए हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिए आपको कुछ डिटेल भरनी होगी तभी आप अपने पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक कर सकते हैं। पहले आपको अपना पैन कार्ड नंबर भरना होगा, फिर आधार कार्ड के ऊपर नंबर भरना होगा, फिर आधार कार्ड के ऊपर आपका नाम क्या है उसको यहाँ भरना होगा, और आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड इसके ऊपर टिक लगाना होगा एंड यहाँ पर टिक लगाना होगा, दो जगह टिक लगाकर, और फिर आपको इस कैप्चा को इसके अंदर फिलअप करना होगा एंड फिर यहाँ पर लिंक आधार पर क्लिक करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम ये सारी डिटेल भर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने सारी डिटेल भर दी है, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड पर जो नाम है उसको, फिर यहाँ पर दो जगह टिक लगा दिया है। ठीक है, यहाँ पर दो जगह टिक लगा दिया है एंड फिर आपको इस कैप्चा को इसके अंदर मैंने फिलअप कर दिया है एंड फिर आपको लिंक आधार पर क्लिक करना। चलिए हम लिंक आधार पर क्लिक करते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर देखिए योर पैन कार्ड इज ऑलरेडी लिंक टू गिवन आधार नंबर, यानी कि दोस्तों इस तरह आप पता लगा सकते हैं कि आपका जो मतलब आधार कार्ड है पैन कार्ड के साथ लिंक है या फिर नहीं है। जैसे आप यहाँ पे यदि मान लीजिए आपका पैन कार्ड आधार के साथ लिंक नहीं होगा तो यहाँ पर कह रहा है कि आपने मतलब यहाँ कह देगा आप रिक्वेस्ट कर चुके हैं आधार नंबर के साथ लिंक करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह आप अपने पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक कर सकते हैं। ठीक, और यदि मान लीजिए आपने अपने पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक करने के लिए सबमिट कर दिया है तो आप इसके ऊपर क्लिक करके अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। मान लीजिए क्लिक हेयर पर क्लिक किया मैंने और इसके ऊपर आपको क्या करना है, अपना पैन नंबर एंड अपना आधार नंबर यहां डालना है। पैन नंबर आधार नंबर डालने के बाद यहां पर व्यू लिंक आधार स्टेटस के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको स्टेटस दिखा दिया जाएगा कि आपका पैन कार्ड आधार के साथ लिंक है या फिर नहीं है। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, कह रहा है कि योर पैन इज लिंक टू आधार नंबर, मतलब आपका पैन कार्ड ऑलरेडी आपका आधार के साथ लिंक हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह आप अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं और अपना पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक भी कर सकते हैं। दोस्तों आपको जानकारी और वीडियो कैसी लगी, आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों आपको इस वीडियो संबंधित कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सुझाव को रख सकते हैं, या फिर आप हमसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हैं, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी और सन्नर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।